गाइजर आज हम लोग GTA 5 में ढूंढने वाले हैं एलिमेंटल काल को, जो कि देगा हमें खतरनाक खतरनाक पावर, और बचाएंगे लिटिल सिंगम को काल के जाल से। तो यार हमारा साथ देने के लिए कमेंट बॉक्स में ओपी काल जरूर लिखना। तो यार एडवेंचर को स्टार्ट करते हैं। अरे भाई सिंचन यार जल्दी चल यार, लिटिल सिंगम को कुछ नहीं होना चाहिए। है? क्या हो गया लिटिल सिंगम को, आप इतना परेशान क्यों हो? अरे भाई सिंचन यार तुम लोग यार जल्दी आओ यार, इतना भाई धीरे धीरे आते हो। ओए ओए बिस्टिफायर, ओए क्यों इतना हाइपर हो रहा है? ओए लिटिल सिंगम को कुछ नहीं हुआ होगा। अरे भाई साहब मैंने लिटिल सिंगम को मना करा था भाई काल के साथ जाने के लिए। ओए हाँ ओए, पर वो तो चले गया और उसकी लोकेशन यहीं की दिखा रहा है जहाँ से वो एलिमेंटल्स में डिवाइड हो गया था अपने। हाँ भाई पर इस बार यार यहाँ का गेट खुला नहीं है भाई, इसको हमें खोलना पड़ेगा। मैं जल्दी से खोलने की कोशिश करता हूँ। अब यार ये तो खुल ही नहीं रहा है। आप इतने घबराए हुए क्यों हो? काल तो हमारा दोस्त है ना। अरे भाई सिंचन यार यही तो बड़ी दिक्कत है यार, काल अब हमारा दोस्त नहीं रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई यार ऐसा ही हो गया है, मैं जल्दी से रॉकेट लॉन्चर निकालता हूँ, इसको तोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। आप हमें डिटेल से बताओ। अरे भाई साहब तुम तो एक झटके में गिर गए भाई, क्या गुंडा बनोगे यार तुम लोग। ओए ओए मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं। ओए ओए अरे यार ये तो बेहोशी हो गया सिंचन यार, तो उसको जगा जल्दी। पर आप पहले मेरे को बताओ आपके कहने का मतलब क्या था? भाई सिंचन यार काल ने हमारे साथ दोस्त बनने का नाटक करा है, उसने ताकत तो हासिल कर ली है पर उसे अब और ताकतवर बनना है, जिसके लिए उसने लिटिल सिंगम का इस्तेमाल करा है। यार लिटिल सिंगम को हमें ढूंढना पड़ेगा, वो लिटिल सिंगम के साथ कुछ भी कर सकता है। तो आप अंदर जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को डर लग रहा है। अरे यार तुम लोग यार टरपो को यार, चलो ठीक है कुछ होता है तो मैं तुम्हें बुलाता हूँ। और भाई उसको जगा भाई, वो तो भाई सो ही गया। मैं जगाता हूँ उसको, पर मैं भी आपके साथ चलूंगा। अबे भाई सिंचन यार मत चल, तू उसको जगा। अच्छा हाँ ठीक है। भाई सर बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है यार, ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं था भाई लिटिल सिंगम के साथ काल ऐसा भी कुछ कर सकता है। गाइस आप लोगों ने सही बोला था, काल सबसे बड़ा दुश्मन है भाई लिटिल सिंगम का, हमें उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए था। उसकी एक तो हमने हड्डियां तोड़ के उसको ताकतवर बनाया और अब वो हमारे खिलाफ ही चाल चल रहा है, तो बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। और गाइजर देखो वैसा ही हो रहा है जैसा लिटिल सिंगम को एलिमेंटल बदलने में हुआ था। अब क्या करेंगे हम? अरे वहाँ तो कोई मशीन है। अरे भाई लिटिल सिंगम, अरे भाई लिटिल सिंगम को क्या हो गया? सिंचन अरे भाई जल्दी अंदर आ। क्या हो गया? मैं आ रहा हूँ अभी। अरे यार ये क्या हो गया भाई लिटिल सिंगम को? लिटिल सिंगम उठो उठो। हाँ मेरे को लग रहा है लिटिल सिंगम बेहोश हो गया है, और ये मशीन तो टोनी स्टार्क के पास रखी रहती थी। हाँ भाई साहब ये टोनी स्टार्क के पास मशीन रखी रहती थी और यहाँ पे डेड बॉडी अभी तक पड़ी हुई है। मैं थोड़ी सी रोशनी करने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं आराम से देख पाऊँ यार यहाँ पे आखिरकार हो क्या रहा है। ये कैसे हो सकता है भाई, काल इतनी बड़ी चाल चल सकता है? मेरे को तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। लिटिल सिंगम को क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे भाई सिंचन यार ये लिटिल सिंगम यहाँ पे बेहोश हो गया है और काल भी अभी यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है यार। ओए मेरे को तो ये धुआं देख के ऐसा लग रहा है कि काल ने इस मशीन के जरिए अपने सभी एलिमेंटल्स को डिवाइड कर लिया है ताकि वो जगह जगह की पावर्स को कलेक्ट कर पाए। अरे भाई साहब अगर ऐसा कुछ है तो बहुत ज्यादा खतरनाक बात है यार, मैं तो यहाँ पे अंधेरा नहीं होने दूंगा। सबसे पहले मेरे को तो ऐसे ही डर लग रहा है। ओए हमें काल को रोकना होगा, उसके सभी एलिमेंटल्स को पकड़ना होगा, तभी हम लिटिल सिंगम को भी बचा पाएंगे। अरे भाई साहब ये बहुत ज्यादा खतरनाक बात है गाइस, इसका मतलब कि हमें काल के सभी एलिमेंटल्स को पकड़ना होगा और इस मशीन के जरिए हम वहाँ जा सकते हैं। तो आप लोग अगर मेरे साथ हो तो कमेंट बॉक्स में लिटिल सिंगम का फेवरेट डायलॉग जरूर लिखना। पुलिस की वर्दी शेर का दम, नाम है मेरा लिटिल सिंगम, ये सब हम लिटिल सिंगम के लिए कर रहे हैं। 3-2-1 को। अरे भाई साहब हम लोग तो भाई हवा से नीचे गिर रहे हैं यार। मिस्टिफाई भैया ये क्या हो रहा है? हम भी आपके साथ आ गए। ओए ओए मैं फिर से तेरे अंदर आ गया। ओए लगता है हमारी परमानेंट जगह हो गई है तेरे अंदर आने की। अरे भाई साहब मैं खुद भाई कंफ्यूज हूँ भाई, ये होता कैसे है और क्यों होता है यार? हम लोगों को जल्दी से लिटिल सिंगम के सबसे बड़े दुश्मन काल के एलिमेंटल्स को ढूंढना पड़ेगा। अभी हम लोग भाई हरियाली वाली जगह पे, इसका मतलब हमें अर्थ एलिमेंटल को ढूंढना पड़ेगा यार, आसपास कहीं भी हो सकता है भाई अर्थ एलिमेंटल। गाइस अगर आप लोगों को कहीं भी दिख रहा है तो जल्दी से भाई मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ यार क्या है भाई, कहाँ पे हो सकता है वो। बिस्टिफाई भैया चलो आसपास ढूंढते हैं हम उसको। हाँ भाई ढूंढने के लिए तो आए हम लोग यहाँ पे। और भाई साहब यहाँ पे तो भाई वैसे ही लाइट निकल रही है भाई, यहीं पे हो सकता है हमारा लिटिल सिंगम का दुश्मन काल, वो भी अर्थ वाला। गाइस वो रहा भाई काल, वो भी अर्थ एलिमेंटल का, हमें इसको पास से देखना पड़ेगा। ड्रोन शॉट एक्टिवेट करते हैं हम लोग अपना, लेट्स गो गाइस। आप लोग देख सकते हो काल ने अपने आप को अर्थ एलिमेंटल में डिवाइड कर लिया है और ये कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। इसके भोले भाले चेहरे के पीछे एक बहुत खतरनाक दानव छुपा हुआ है यार, मैं उसको पहचान नहीं पाया था, ये कभी भी हमारा दोस्त नहीं बन सकता है। इसने लिटिल सिंगम को तबाह करने के लिए इन सारे शक्तियों को हासिल करने का ये प्लान बनाया है। गाइस हम लोगों को इसको एकदम शांति से पीछे से कलेक्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस यार मैं इसके पीछे आ गया हूँ, एकदम शांति से हम लोग जाएंगे और इसको एकदम से कलेक्ट कर लेंगे। 3-2-1 go!
ऑलराइट गाइस, यार एक एलिमेंटल तो हमारे पास आ गया है। एम पिस्टोफर भैया, इसका मतलब उसकी पावर्स भी आ गई है आपके पास। हाँ भाई सिंचन, यार उसकी पावर्स भी हमारे पास आ गई है। तो वो तो बहुत ज्यादा मजेदार बात है। आप कुछ भी बोलोगे वो आपके पास आ जाएगी वो चीज, जैसे पिछली बार हुआ था। हाँ भाई साहब सिंचन यार, इसका मतलब हम लोग भाई कुछ भी बोलेंगे वो चीज हमारे पास रियल में आ जाएगी। सिंचन यार तू बता यार, अब हम लोग क्या सोचे यार। मैं तो बोलता हूँ हम लोग आयरन मैन बन जाते हैं और हवा में उड़ेंगे। अरे हाँ भाई सिंचन यार, ये भी हो सकता है यार। तो गाइस मैं सोचता हूँ कि मेरे पास आयरन मैन का सूट आ जाए। ऑलराइट गाइस, आप लोग देख सकते हो आयरन मैन का सूट मेरी आंखों के सामने है, जल्दी से मैं इसको पहन लेता हूँ। 3, 2, 1 गो। और गाइस यार आप लोग देख सकते हो हम लोग आयरन मैन बन गए, ये तो काफी ज्यादा मजेदार बात है। बिस्टिफाई भैया, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक बात हो गई, आप तो खतरनाक दिख रहे हो। हाँ भाई सिंचन यार, अब इसकी पावर्स को भी टेस्ट करके देखते हैं। ये ओ भाई साहब, लेजर बीम सबको उड़ा दूंगा मैं। आप तो काफी मजेदार लग रहे हो। ये देख भाई साहब सिंचन यार, ऐसा हम लोगों को भाई पहले ही कर लेना चाहिए था। अर्थ एलिमेंटल की पावर एकदम बेस्ट है। गाइस आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना आप लोगों को कौन से एलिमेंटल की पावर सबसे ज्यादा बेस्ट लगी है। ओ भाई साहब, पर मेरे को तो वो तबाही वाली पावर ही अच्छी लगती है, एलिमेंटल अर्थ की। बिस्टिफाई भैया, पर मेरे को तो अर्थ एलिमेंटल की वो तबाही मचाने वाली पावर ही अच्छी लगती है। चल भाई सिंचन यार कोई बात नहीं, हम उस पावर को भी ट्राई करके देखेंगे। एक बार और मार के देखता हूँ, लेट्स गो। ऑलराइट सिंचन यार, हमारे पास वो पावर आ गई है। ओ भाई क्या ही हवा में उड़ाया हमने कार को। ये ले भाई लंबोर्गिनी, अबे कहाँ जा रही है। खैर कोई बात नहीं, उसको छोड़ते हैं, इसको उड़ाते हैं भाई। दरवाजे के दरवाजे तोड़ दिए हम लोगों ने। ये ओ भाई साहब, एक जंप और खतरनाक वाली। ओ गाइस आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने तो भाई गड्ढा कर दिया भाई लॉस सैंटोस की सड़कों में। लेट्स गो। अरे भाई साहब इतनी ज्यादा ऊंची जंप मार सकता हूँ मैं, मैंने तो पहली बार देखी है। इतनी बड़ी जंप तो आपने पहली बार मारी है बिस्टिफाई भैया। हाँ भाई साहब, मेरे को खुद विश्वास नहीं हो रहा मैं इतनी ऊंची जंप मार सकता हूँ। ओ भाई लेट्स गो। तो ग्रेट है। लेट्स गो सिंचन यार, ये देख। अब बिस्टिफाई टाइम पास मत करो, हमें जल्दी से सारे एलिमेंटल को ढूंढना है काल के, तभी हम लिटर सिंगम को बचा पाएंगे, वरना लिटर सिंगम को वो मार देगा। हाँ भाई साहब लेट्स गो, जल्दी चलते कहीं और। अरे भाई साहब सिंचन यार, अब हम लोग तो पानी में गिर रहे हैं। हाँ हम तो पानी में गिर गए, इसका मतलब अब हम लोगों को वाटर एलिमेंटल के काल को ढूंढना पड़ेगा। हाँ भाई साहब, और यहाँ पे इतनी सारी मछलियाँ हैं भाई, कहीं मेरे को खाना जाए, हम लोगों को जल्दी से ढूंढना पड़ेगा उसको। बिस्टिफाई मेरे को तो लगता है हम लोगों को काल की मदद ही नहीं करनी चाहिए थी। अरे भाई साहब तू सही कह रहा है यार, मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है यार। मेरे को पहले लगा था भाई काल अच्छा आदमी बन गया है, पर भाई वो कभी नहीं बदल सकता, वो एक राक्षस है, वो भी खतरनाक वाला। हमारे दोस्तों ने तो हमें बताया था काल एक राक्षस है, पर वो आया ही ऐसे था भाई दोस्त बनने के लिए। पर मैं आप क्या कर सकते हैं, हम लोगों को काल को रोकना पड़ेगा, जल्दी चलते हैं। भाई बॉब यार, हम लोगों को एलिमेंटल वाटर काल को ढूंढते ढूंढते भाई 4 घंटे बीत चुके हैं, पर मेरे को अभी तक भाई वो नहीं मिला यार। ढूंढते रहो उसको, वो पानी में छुपा होगा कहीं ना कहीं। हाँ भाई सिंचन यार मैं ढूंढ रहा हूँ। वेट, वहाँ पे भाई आप लोगों को वेव्स दिख रही है, इतनी खतरनाक सी वेव्स कहाँ से निकल रही है। या तो UFO है। अरे भाई साहब सिंचन यार, ये तो बहुत ही खतरनाक वाला UFO है भाई। कुछ सालों पहले लॉस सैंटोस में एलियंस का अटैक हुआ था, जिसमें से UFO यहीं पे रह गया था। बिस्टिफाई भैया, काल राक्षस वहाँ पे ही है, हमें उसकी आंखों से बचते बचाते उसको पकड़ना होगा। हाँ भाई सिंचन यार, गाइस आप लोग देख सकते हो काल क्या ही खतरनाक लग रहा है, मैं इसको ड्रोन शॉट से देखता हूँ। पर पानी में ड्रोन कैसे चल सकता है। अरे भाई सिंचन यार, हमारा सारे ड्रोन चलते हैं भाई, पानी में भी चलेंगे कहीं पे भी चलेंगे। ऑलराइट गाइस, यार हम लोग भाई पतली गलियों से निकलते निकलते काल राक्षस को देख रहे हैं। ये तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है मेरे को। गाइस आप लोग देख सकते हो काल राक्षस क्या ही खतरनाक लग रहा है। अब इसको पकड़ लेते हैं जल्दी से चल के। हाँ भाई सिंचन यार, मैं इसके एकदम पीछे आ गया हूँ, जल्दी से इसको अटैक करते हैं। 3, 2, 1 को। ऑलराइट सिंचन यार, हम लोगों ने इसको भी एब्जॉर्ब कर लिया है, अब जल्दी से हम लोग इसकी पावर्स को भी ट्राई करके देखते हैं यार। वैसे मुझे इसकी पावर्स पता है थोड़ी बहुत, आप पानी में कोई भी जानवर बन सकते हो पानी का। अरे भाई सिंचन, क्या तू सच कह रहा है। अरे हाँ। चलो गाइस यार, हम लोग एक पावर तो इसकी जानते ही है, जो की बहुत ज्यादा खतरनाक तबाही सी मचा देती है, बॉल बनाती है भाई पानी की। पर आज हम लोग भाई इसकी एक नई पावर को ट्राई करके देखते हैं भाई, पानी में हम लोग भाई शार्क बन के देखते हैं। अरे गाइस यार, मैंने तो नाम लिया था और हम लोग तो भाई शार्क बन गए, और ऐसी वैसी शार्क नहीं, हैमर हेड शार्क। इसका अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, आप लोग को मैं बता दूं। बिस्टिफाई मेरे को तो बहुत डर लग रहा है इससे, कुछ और बन जाओ। चलो गाइस यार, हम लोग अब देखते हैं भाई क्या बनते हैं, मछली बन के देखते हैं। अरे गाइस यार, हम लोग तो मछली बन गए, ये क्या ही खतरनाक है यार। बिस्टिफाई भैया, अब तो मछली बन गए, ये तो काफी मजेदार बात है। चलो गाइस यार, अब हम लोग डॉल्फिन बन के देखते हैं। ओ भाई, हम लोग गाइस यार डॉल्फिन बन गए, ये तो काफी मजेदार है। बिस्टिफाई भैया, मैंने सुना है डॉल्फिन इंसानों से भी ज्यादा स्मार्ट होती है। हाँ भाई सिंचन यार, डॉल्फिन बहुत ज्यादा स्मार्ट होती है। गाइस आप लोगों को क्या पता था कि डॉल्फिन इतनी ज्यादा स्मार्ट होती है। तो इससे ही मैं अपना सारा होमवर्क करवाऊंगा।
जाऊंगा, अरे वह मजा आएगा। अरे भाई सिंचर यार, तूने भाई डॉल्फिन को भी नहीं छोड़ा। खैर कोई बात नहीं, हम लोग उसकी काफी खतरनाक वाली पावर को टेस्ट करते हैं यार। मिस्टीफाई भैया ये अब क्या कर रहे हैं? भाई सिंचर यार, अब तू देख, हम लोग भाई हवा में उड़ेंगे यार। अब तो पानी से एकदम छटाके से बाहर आ गए, तो काफी मजेदार बात है। हाँ गाइस यार, आप लोग देख सकते हो क्या ही खतरनाक तरीके से मैं हवा में उड़ रहा हूँ, वो भी भाई पानी की शक्ति से। और ये देखो गाइस, मेरे हाथों से क्या ही खतरनाक लेजर से निकल रही हैं। ये लेजर नहीं है, ये पानी में जो मैग्मा होता है वो है। हाँ भाई सिंचन यार, तेरे को तो काफी कुछ पता है भाई। अरे हाँ मेरे को बहुत कुछ पता है। चलो गाइस यहाँ से निकलते हैं जल्दी से, लेट्स गो। ओ भाई साहब, मैं तो बहुत स्पीड से उड़ रहा हूँ। अरे रे रे, मैं कहाँ गिर गया। और राइट गाइस यार, अब हम लोग अपनी बहुत ही खतरनाक वाली वाटर की बॉल बनाएंगे, लेट्स गो। और मैं फेंकूंगा भाई इस ट्रक के ऊपर। गाइस अब आप लोग देखना इस ट्रक के ऊपर क्या ही खतरनाक तरीके से मैं फेंकूंगा। ओ भाई साहब, ये तो मिस हो गई यार, और इसने काफी तबाही मचा दी। किसके खेतों में घुस गई ये बॉल? गाइस यार, यहाँ के खेत की क्या हालत कर दी इस बॉल ने। भाई मैं और भाई तबाही नहीं मचाऊंगा, हम लोग कहीं और चलते हैं भाई। हैं मिस्टीफाई भैया, अब हम लोग जल्दी से चलते हैं काल के दूसरे एलिमेंटल को ढूंढने के लिए। हाँ भाई सिंचन यार, जल्दी से चलते हैं यार यहाँ से। अरे भाई साहब, ये मैं कहाँ पे गिर रहा हूँ, यहाँ पे तो आग लगी हुई है। हैं मिस्टीफाई भैया, ये लगता है एलिमेंटल काल ने लगाई है, फायर वाले एलिमेंटल काल ने। हाँ भाई साहब सिंचन यार, तू सच कह रहा है यार, इतनी आग तो कोई ऐसा ही दाना भी लगा सकता है। भाई यहाँ से तो बहुत ज्यादा आग निकल रही है, मेरे को बचते बचाते तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। मिस्टीफाई भैया, पर हम ऊपर कैसे चढ़ेंगे? भाई सिंचन यार, यहाँ पे भाई स्टेयर्स दी हुई है, हम लोग इसके सहारे ऊपर चढ़ते हैं, देखते हैं भाई काल आखिर वहाँ पे कर क्या रहा है, और उसको पता नहीं लगना चाहिए हम लोग ऊपर आ रहे हैं यार। मिस्टीफाई भैया जल्दी चलो, जल्दी चलो। गाइस हम लोग ऊपर चल रहे हैं। गाइस आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि काल को किस चीज से डर लगता है, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो ताकि मैं काल को हरा सकूं यार। भाई काल कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है, इसको तो हमें ड्रोन शॉट से देखना पड़ेगा, ऐसा तो दिख नहीं रहा है ये काल। ऑलराइट गाइस, आप लोग देख सकते हो काल की आंखें कितनी ज्यादा लाल हम लाल है भाई, ये तो पूरा का पूरा लाल है। ये तो लाल है, ये तो लाल हो गई क्योंकि ये फायर एलिमेंटल का है ना, इसलिए। तुम लोग भी कैसी बात करते रहते हो। गाइस मेरे को तो लगता है इसको आग से डर लगने लगता है, आप लोग बताओ आप काल को किस चीज से डर लगता है? हम लोगों को पता तो होना चाहिए कि काल कैसे डरता है, उसी चीज से इसको डरा डरा के मार देंगे। हाँ भाई बॉब यार, अब जल्दी से इसको कैप्चर कर लेते हैं यार, लेट्स गो। गाइस यार एकदम शांति से जाते हैं, 3 2 1 गो। ऑलराइट गाइस यार, हम लोगों ने काल को कैप्चर तो कर लिया, जल्दी से यहाँ से कूद जाता हूँ मैं, इससे पहले कि भाई पुलिस आके मेरी बैंड बजा दे। अरे भाई साहब कितनी ज्यादा स्पीड से मैं नीचे गिरा हूँ, यहाँ तो बहुत आग लग गई है, यहाँ से निकलते हैं इससे पहले कि भाई कोई गड़बड़ हो जाए। हम लोग अपनी पावर्स को भी ट्राई करेंगे यार, थोड़ा सा दूर चले जाते हैं। हाँ इतनी दूर सही है। अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है? अरे गाइस यार आप लोग देख सकते हो, हम लोगों ने भाई फायर पावर्स को एक्टिवेट कर लिया है, काल ने बहुत तबाही मचाई है यार, पर सबसे ज्यादा तबाही तो हम लोग मचाएंगे भाई, खेत में आग लगा देंगे। मिस्टीफाई कैसी बात कर रहे हो, लगता है तुम्हारे अंदर भी काल का सर होने लगा है। अरे हाँ भाई मेरे को भी ऐसी लग रहा है, मैं तबाही क्यों मचा रहा हूँ यहाँ पे किसी के घर में। पर ये तबाही नहीं होती है। अरे भाई साहब क्या हो रहा है? भाई सिंचन यार थोड़ी बहुत तो तबाही मचा ही सकते हैं भाई, ये खेत में तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो मचाएंगे ही। लेट्स गो ये। मिस्टीफाई हमें टाइम पास नहीं करना है, जल्दी चलो। भाई बॉब यार बस इधर और मार लू भाई, थोड़े दिल को तसल्ली मिल जाएगी। अब हो गया ना, अब यहाँ से जल्दी चलो, हमें बाकी एलिमेंटल्स को भी ढूंढना है। चलो भाई ठीक है यार, जल्दी से यहाँ से चलते हैं, लेट्स गो। अरे भाई साहब हम लोग कहाँ पे गिर रहे हैं यार? मिस्टीफाई भैया ये तो वही जगह है जहाँ पे हम लोगों ने सारे एलिमेंटल्स को पकड़ा था। भाई सिंचन यार सारे नहीं भाई, कोई एलिमेंटल ही आए थे यहाँ पे। अरे हाँ पर लिटिल सिंगम आया था ना यहाँ पे, इसका मतलब काल भी आया होगा, तभी उस पोर्टल ने हमें यहाँ पे फेंका है। हाँ भाई सिंचन यार तेरी बात में दम तो है, पर यार मेरे को एक बार इस स्लाइड पे भाई साहब मजे करने हैं। वो तो मेरे को भी करने हैं। भाई सर आप लोग बताओ, आप लोगों को भाई झूला झूलना अच्छा लगता है या नहीं लगता है? मिस्टीफाई मेरे को भी बहुत मजा आता है ऐसे राइड्स पे जाने में। मिस्टीफाई भैया पहले हम एयर एलिमेंटल के काल को पकड़ लेते हैं, उसके बाद इस राइड पे भी जाएंगे। चल भाई ठीक है यार, सिंचन तेरी बात भी आज मान ही लेते हैं, बहुत दिन हो गए भाई। अरे हाँ मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ, अब जल्दी से चलते हैं, वैसे भी रात हो गई है। और राइट गाइस यार हम लोग ऊपर तो आ गए हैं, अब बस जल्दी से हम लोगों को भाई काल तक पहुंचना पड़ेगा। भाई वो इतनी ऊंचाई बैठा हुआ, कैसे जाएंगे हम उसके पास तक? चलो खैर कोई बात नहीं, हम लोग भाई ड्रोन शॉट से पहले उसका चेहरा तो देख ले भाई, कैसे दिख रहा है भाई हमारा एयर एलिमेंटल का काल। लेट्स गो, हमारा ड्रोन एकदम ही स्पीड में हवा में उड़ गया है और काल अभी तक तो नजर नहीं आ रहा है। मिस्टीफाई भैया मेरे को दिखाता। हाँ भाई साहब सिंचन यार कहाँ जा रहा है भाई, ड्रोन मेरे से काबू ही नहीं हो रहा। तो गाइस यार आप लोग देख सकते हो काल एकदम ही इनविजिबल रूप में खड़ा हुआ है अपने, और कैसे देख रहा है भाई, लाल लाल लाइट इसके अंदर से निकल रही है। तो गाइस यार बस हम इसको जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं, पर यार हम लोग इतनी ऊंचाई पे पहुंचेंगे कैसे यार? मिस्टीफाई इसका तो एक ही इलाज
मैच है, हम लोगों को अपनी मैजिक पावर्स का यूज करना पड़ेगा। पर भाई बॉब यार, वो मैजिक पावर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ मेरे को पता है गाइस, इसके लिए हमें आप लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे पहले पर सब्सक्राइब कर देना। आपके एक लाइक से हमारी पावर बढ़ेगी ताकि हम लोग वहाँ पे टेलीपोर्ट हो पाए। तो गाइस जल्दी से भाई लाइक करो यार, हम लोगों की पावर बढ़ रही है। अरे गाइस यार, आप लोग देख सकते हो, आप लोगों की पावर की वजह से हम लोग भाई एकदम ही कार राक्षस के एयर एलिमेंटल के पीछे पहुंच चुके हैं। यार आप लोगों को थैंक यू लाइक करने के लिए। अब जल्दी से इसको कलेक्ट कर लेते हैं। 3, 2, 1 गो। तो गाइस जल्दी से हम पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। यार कार राक्षस की सभी पावर्स हमारे पास आ गई हैं। अब थोड़ा ट्राई करके देखते हैं भाई उन पावर्स को। लेट्स गो गाइस, जल्दी से हवा में उड़ते हैं। अरे भाई लेट्स गो। ये M65 भैया, आपने तो स्लाइड पे फिसलने का बोला था। चल भाई ठीक है सिंचन, यार हम लोग पहले स्लाइड पे फिसल लेते हैं, बाद में अपनी पावर्स को ट्राई करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं भाई इस स्लाइड पे और चलते हैं। पर आप तो फिसल ही नहीं रहे हो। अरे हाँ भाई सिंचन यार, ये क्या हो रहा है भाई, मैं तो चल रहा हूँ स्लाइड के ऊपर। मेरे को लग रहा है आपके पास ज्यादा पावर आ गई है, इसलिए आप स्लाइड पे फिसल नहीं पा रहे हो। हाँ भाई सिंचन यार, और ये क्या हो रहा है, आपने तो गड्ढे कर दिए। चलो भाई खैर कोई बात नहीं, हम लोग भाई अपनी पावर्स को टेस्ट करते हैं स्लाइड पे, कभी और फिसल लेंगे। लेट्स गो। ये ओ भाई कितनी ज्यादा स्पीड से हम लोग हवा में उड़ रहे हैं। बिस्टिफाई भैया, ये सुबह कैसे हो गई अचानक से? अरे भाई सिंचन यार, ये तो मैं अपने दिमाग में सोच रहा था, काश अभी सुबह होती। अरे तो सुबह हो गई। हेलो आंटी जी, ये लो। अरे भाई तुम तो नीचे ही गिर गई। ओ भाई भाई खतरनाक तरीके से पंच मारा है हम लोगों ने। अरे कहाँ भाग रहे हो? ऑलराइट गाइस, इसके ऊपर एक पंच मार के देखते हैं। अरे भाई क्या ही हवा में उड़ा के मारा है, इसकी तो भाई हड्डी चटकने तक की आवाज आई थी अभी। अरे दीदी क्या हो गया? हाँ भैया मारो मारो। गाइस देख रहा है ये कैसे मार रहा है भाई, ये तो हिला भी नहीं पा रहा हम लोगों को। चलो भाई ठीक है, तुम्हारा काम खत्म, अब इधर आ जाओ। भाई खतरनाक तरीके से हम लोगों ने इसकी गर्दन पकड़ ली है। चल भाई हमारे साथ हवा में, तेरे को तो हवा में ले जाके मारूंगा। बेस्ट फाय, तुम धीरे धीरे राक्षस बनते जा रहे हो। अरे भाई बॉब यार, अब काल राक्षस की पावर्स आई है तो थोड़ा बहुत तो असर होगा ही। क्या ही खतरनाक तरीके से पकड़ा है। अरे भैया हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। अरे मोरी मैया, अब तुम्हारी बारी, ये लो बेटा। अरे भाई साहब, ये तो गायब ही हो गया, इतनी तेज फेंका क्या मैंने। बिस्टिफाई भैया, अब बस बहुत हो गया। चल भाई ठीक है यार सिंचन, अब मेन पावर दिखाता हूँ मैं अपनी, एटॉमिक ब्लास्ट। क्या ही खतरनाक एटॉमिक ब्लास्ट करा है। अब देख भाई सामने से, ये भाई ये तो काफी मजेदार था। अब देख भाई सिंचन यार मेरी लैंडिंग को। चल भाई सिंचन यार, अब जल्दी से चलते भाई, काल राक्षस को भाई कैद भी तो करना है, वरना वो फिर से भाग जाएगा। अरे हैं, पर आप कहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हो? भाई मैं मेज बैंक पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये रही भाई मेज बैंक, जल्दी से यहाँ पे लैंड हो जाते हैं। क्या ही खतरनाक लैंडिंग करी हम लोगों ने। अब यहाँ पे मैं अपने अंदर से सभी काल राक्षस के एलिमेंटर्स को बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। अरे निकल जा भाई, कैसे निकलेंगे? ऑलराइट गाइस, आप लोग देख सकते हो काल राक्षस सभी एलिमेंटर्स हमारे सामने हैं और एक कभी भी फ्यूज हो सकते हैं एक दूसरे के अंदर। भैया इन्होंने तो सर्कल बना लिया अपने आसपास। हाँ भाई सिंचन यार, अरे अब इनके अंदर तो जादू होने लगा। चलो गाइस यार, आप लोग रेडी करो ना भाई काल राक्षस को देखने के लिए। ऑलराइट गाइस, अब आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने भाई काल को पूरी तरह कैद कर लिया है। अब मैं जल्दी से इसको भाई ड्रोन स्टॉक के पास ले जाता हूँ, वो इसका इलाज करेगा। इतना ही खतरनाक लग रहा है, इसको भी चलो भाई ड्रोन शॉट से देख ही लो यार आप लोग, जेल में बंद काल कैसा दिखता है, भाई खतरनाक लग रहा है। और हम लोगों ने भाई लिटिल सिंगम को भी बचा लिया है उस गुफा से। तो गाइस यार आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो गाइस यार मेरे साथ बोलो और कमेंट बॉक्स में लिखो पुलिस की वर्दी शेर का दम, नाम है इसका लिटिल सिंगम। अरे भाई साहब, ये तो डांस ही करने लगा, मैंने तो थोड़ा ही बोला था। हाँ बेस्ट फाय, चलो रहने दो इसको। तो गाइस यार लिटिल सिंगम तो नाचता ही रहेगा। पर आप लोग बताओ आप लोग को वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना, चैनल पहले पर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और मुझे इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड पर जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट पिन कमेंट मिल जाएगा। तो मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।